दोस्तों आखिर दिल्ली में कब लड़कियां सेफ महसूस करेगी? कभी लड़कियों के लाश के टुकड़े मिलते हैं तो कभी एसिड से उनका चेहरा जलाया जाता है। लड़कियों और बच्चों के खिलाफ ऐसा जुर्म करने वालों को क्या सरेआम गोली मार देनी चाहिए? आज फिर दिल्ली हुई शर्मसार, एक 17 साल की लड़की पर सरेआम फेंका गया तेजाब। पिता का कहना है कि तेजाब मेरी बेटी की आंखों में चला गया, अब वो जीवन भर के लिए अंधी हो गई है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मलिवाल ने कहा, तेजाब पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर के निकट मोहन गार्डन बुधवार 14 दिसंबर की सुबह मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने एक 17 वर्षीय स्कूल छात्रा पर तेजाब फेंक दिया। घटना का खुलासा सीसीटीवी के फुटेज से हो सका। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि घटना सुबह के करीब 7:32 पर हुई। इसमें दिख रहा है कि 12वीं में पढ़ने वाली 17 साल की छात्रा अपनी छोटी बहन के साथ पैदल जा रही है। दोनों स्कूल जाने के लिए मोहन गार्डन अपने घर से निकली थी। दोनों बहनें घर से चंद कदम की दूरी पर पहुंची ही थी कि तभी बाइक पर सवार दो लड़के उनकी तरफ आए और पीछे बैठे लड़के ने बोतल से एसिड बड़ी बहन के चेहरे पर फेंक दिया। पीड़िता के पिता एसिड अटैक के बाद अपनी बेटी को लेकर दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचे। परिवार वालों का कहना है कि पहले बेटी ने कभी किसी छेड़खानी या किसी परेशानी की शिकायत नहीं की थी। जिस तरीके से घर से निकलते ही बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, वहीं डीसीपी एम हर्षवर्धन ने बताया कि हमें लगता है कि उन्होंने इलाके की रेकी की होगी। उन्हें बच्चियों के स्कूल जाने के समय के बारे में पता होगा, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। शक के आधार पर पुलिस ने एक लड़के को हिरासत में लिया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या आरोपी पीड़िता को पहले से जानते थे? कहीं एक तरफा प्रेम में तो एसिड नहीं फेंका गया? फिलहाल मोहन गार्डन थाने में पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर से दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली के द्वारका में छात्रा पर तेजाब से हमले का मामला और गर्म होता जा रहा है। इस मामले में महिला आयोग के बाद अब बाल आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है। आयोग ने इस संबंध में डीसीपी और डीएम को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही आयोग ने तेजाब बेचने वाले के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा। क्या ऐसे खुलेआम एसिड की बिक्री बंद होनी चाहिए? हमें अपना राय कमेंट में बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।